मेरे पीछे ही ना समाज गार्ड जनरल सलूट सलामे सोस समाज गार्ड बाजू सोस समाज बगल विसर्जन सीतामढ़ी आने का पर्पस ये था कि आज यहाँ पर जिले का इंस्पेक्शन था, पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय एसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन निरीक्षण हमने किया। क्या दिशा निर्देश दिया गया? दिशा निर्देश देखिए, पुलिस में इतने तरह का रिकॉर्ड होता है, पुलिस लाइन हो या पुलिस ऑफिस हो, तो उसको अपडेट करने के लिए और पुलिस लाइन और यहाँ दोनों जगह अभिलेख बहुत हद तक अपडेटेड है और बहुत मतलब अब अद्यतन रखा गया है, अभिलेखों का रख रखाव अच्छे ढंग से किया गया है। तो इंस्पेक्शन करके हम सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं कि यहाँ काम हो सर। यहाँ पुलिस केंद्र में व्यायामशाला का शुभारंभ किया गया ताकि पुलिस तनाव मुक्त होकर शारीरिक ढंग से स्वस्थ रखे काम के, तो और जिला में भी क्या ऐसा? ये बहुत अच्छा शुरुआत है, बहुत अच्छा पहल है और एसपी साहब ने इसको शुरू किया है, तो उसके मेंटेनेंस का भी इन्होंने एक व्यवस्था रखा है कि कुछ जो लोग उसमें उसका उपयोग करेंगे उनको एक छोटा सा राशि भी उसके लिए देना होगा ताकि महंगे जो उपकरण लाए गए हैं उनका रख रखाव अच्छे से हो सके। तो ये सराहनीय कदम है और दूसरे जिलों में भी इसको शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। सर, जिले के 20 स्थानों में महिला हेल्पलाइन की शुरुआत हुई है, किस चीज़ की? महिला डेस्क हेल्पलाइन सर, महिला डेस्क। तो ये पूरे राज्य में इसका प्रावधान किया गया है, उसके लिए फर्नीचर वगैरह सब का व्यवस्था करने के लिए सरकार के स्तर से भी पैसा राशि का आवंटन हुआ है, तो महिलाओं के समस्याओं को सुनने के लिए वहाँ महिला पदाधिकारी या कर्मी रहेंगे तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो बेहतर होगा, अपने मतलब जो उनकी समस्या को सुनने वाले भी उनके जेंडर से होंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा होगा। सर, PFI का एक सदस्य का कनेक्शन सीतामढ़ी से जुड़ा है, वो इसका बैंक अकाउंट जो खाता नंबर है यहाँ से मिला है, घर और बका है, इसके लिए क्या कहें? इसकी विस्तृत जानकारी आपको है? ये जिला पुलिस को भी जानकारी नहीं है, जो भी एजेंसी इस पर काम कर रही है वो इसको बहुत गोपनीय ढंग से करती है, इसलिए इसकी जानकारी हम लोगों को।